अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जकी दत्त है और आज एक और ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जनाब आज हम कहीं जा रहे हैं अफ्तारी के लिए, तो आज संडे था, मेरी छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलो आज बाहर से अफ्तारी करते हैं, तो आपको भी लेके चलते हैं, कुछ अफ्तारी दिखाते हैं क्या क्या बनता है यहाँ पे। तो नाज़रीन हमारी बस आज आ गई, आप भी देख रहे होंगे ये कौन सी जगह है। तो ये बुकिटिंडा का इलाका है, यहाँ पर मैं आया हुआ था किसी काम से। तो ये आज हमारी यहाँ पे बस है जिसके ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से दूसरी बसें चलती हैं, ये स्टेट अलहरा है मतलब दूसरे हिसाब से है, तो यहाँ पे दूसरी टाइप की बसें चलती हैं। मैं अकेला ही हूँ बस के अंदर। मलेशिया के अंदर दो सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह मुझे लगती है, एक जो जलाल सुल्तान इस्माइल है, तुंड रात भी कहते हैं उसे, और एक ये बुकिटिंडा पुरसकून जगह है रहने के लिए यहाँ पे, और ये काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे रहने के हिसाब से ना, पुरसकून है। ये जनाब अम्पम पॉइंट का एरिया है, ये भी अम्पम का हिस्सा है लेकिन इसको अम्पम पॉइंट कहते हैं, ये भी मॉल है बहुत बड़ा, ये सारा अम्पम पॉइंट का एरिया है। काफ़ी बिजी होटल है ये पाम वालों का, काफ़ी पुराना होटल है, ठीक है। और उसके अलावा ये काफ़ी वैसे यहाँ पे रश काफ़ी होता है इन इलाकों में, बस का वेट कर रहे हैं, 13 मिनट लगेंगे बल्कि आ ही गई है, तो बस का वेट कर रहे हैं। आ गए जनाब एक नई जगह पे, तो चलते हैं अभी आपको लेके। सारे स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे सर, खाना हमने ले लिया, अब खाना रोज़ा खुलने का वेट कर रहे हैं, तो देखिए कितनी देर में रोज़ा खुलता है फिर इसको खोलते हैं, या काफ़ी शोर होगा, मेरा वॉइस कम आ रहा है आपको, तो मैंने माइक ऑर्डर किया हुआ है तो फिर मेरी आवाज़ भी बेहतर होगी। मुझे किसी ने पहले भी कहा था कमेंट्स में कि आपकी आवाज़ कम आती है, तो मैंने माइक ऑर्डर किया है, जब तक माइक आता है, तो अब रोज़ा खुलने का वेट कर रहे हैं, तो रोज़ा खुलता है तो फिर आपको आगे दिखाते हैं क्या करना है।
आज का ब्लॉग ख़त्म हो गया इसी के साथ। तो वहाँ मैं ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना सका क्योंकि फैमिलीज थी और लोग बड़ा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं जब इस तरह का काम होता है ना, तो इस वजह से मैं वो ब्लॉग नहीं बना सका। लेकिन अच्छा था, रोज़ा खुल गया, सब ओके है। तो आपको एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ से गुजर रहा हूँ तो ये भी देखें। ये देख सकते हैं पीछे मेरे मॉस्क है और ये मॉस्क है और ये यहाँ से बेसिकली ये जौन सा है ना, ये नदी बारिश का ड्रेन है। तो ये इसको छुपाने के लिए ना ये इस तरह पाइपें चला देते हैं और ये भाप बन जाती हैं, और ये भाप बनने के साथ साथ ना ये लाइटें चला देते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा लगता है यहाँ पे। तो ये क्या कहते हैं पासासिनी का इलाका है जहाँ पे हम आया हुआ। तो अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। तो होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। सबको थैंक यू जो लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, और उन लोगों को भी और अपने मेरी वीडियो को बहुत से बहुत शेयर करें ताकि मेरे यू नो कुछ सब्सक्राइबर बढ़े। तो उस हिसाब से तो सलाम अलैकुम, मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। बाय बाय।